पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस नाम से तो आप अनजान नहीं हैं। इन दिनों सोशल मीडिया और लोगों के बीच बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र शास्त्री छाए हुए हैं। अपने दावे की वजह से धीरेंद्र शास्त्री के जितने चाहने वाले हैं उतने ही विरोधी भी हैं। इन दिनों जितने चर्चे उनके बयानों और चमत्कारों के हैं उतने ही बाबाओं की और भी बाढ़ आ गई है। मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे बाबा सामने आए हैं जो तरह तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसे में एक बाबा बुरहानपुर से सामने आए हैं जो पर्चा बनाकर लोगों का भविष्य बताने का दावा कर रहे हैं। दावा ये भी है कि उनके दरबार में लोगों की हर समस्या का समाधान हो रहा है, फिर चाहे बीमारी हो या आर्थिक तंगी या कुछ और। बाबा के दरबार में पर्ची पर समस्या लिखा और समस्या का समाधान हो गया। ये बाबा भक्तों के बीच विलास महाराज के नाम से मशहूर है। बताया जा रहा है कि वो कनीफ नाथ जी के भक्त है। उनके यहाँ ये परंपरा पिछले 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। ये बाबा खुद पिछले कई सालों से दरबार लगा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों से भी भक्त अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, जिसका समाधान विलास महाराज जी कर रहे हैं। दावा है कि बाबा विलास महाराज पहले से ही पर्चा बनाकर उनकी समस्या बता देते हैं और भभूति देकर बड़ी से बड़ी बीमारी और समस्या का समाधान कर देते हैं। दावा तो ये भी है कि विलास महाराज के शरीर में कनीफ नाथ महाराज की सवारी भी आती है। समस्या अगर किसी भक्तों की बड़ी हो तो कनीफ नाथ महाराज की सवारी आकर भक्तों की समस्या का समाधान कर देती है। बाबा विलास महाराज बुधवार और रविवार को अपना दरबार लगाते हैं। विलास महाराज की माने तो हम कोई भगवान नहीं है, भगवान तो नवनाथ महाराज हैं, जो सर्वशक्तिमान है। खकनार की रहने वाली रेखा बाई बताती हैं कि उनकी शादी को 25 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने कई डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई गई, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। रेखा ही नहीं बल्कि विलास महाराज के भक्त उन्हें चमत्कारी मानते हैं। हालांकि TV9 ऐसे चमत्कारों की पुष्टि नहीं करता, ये सिर्फ एक दावा है। We'll be right back.